Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो पीपल, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू टेस्टबुक। आज का जो सेशन है वो है हमारा रूट वर्ड ट्रिक्स का पार्ट टू। कल हमने बहुत सारे रूट वर्ड सीखे थे, मैंने आपको कल बताया भी था कि रूट वर्ड ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिससे कि हमें बहुत सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें एक रूट या दो रूट याद करने होते हैं, उससे उस रूट से बनने वाले जितने भी 1000, 2000 या मिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो हमको ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में याद हो जाते हैं, क्योंकि गाइज हम लोग का जो एग्जामिनेशन है वो है एमसीक्यू टाइप, सबको पता है। तो रूट वर्ड ट्रिक्स इज द बेस्ट वे फॉर अस टू लर्न वोकैबुलरी बाय हार्ट। अब हम चलते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कल हमने कौन कौन से रूट्स किए थे, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स आज नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रूट वर्ड्स कल हम ऑलरेडी कौन कौन से कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बाद में जिन्होंने नहीं देखा है वो कल जाके सेशन को दोबारा जरूर से देखिएगा, कल वाले सेशन को। एक क्विक रिविजन करते हैं, कल हमने कौन कौन से रूट सीखे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कोई मतलब कोई भूला तो नहीं है ना, एक बार बता दीजिए। ठीक, अब देखिएगा, सबसे पहला रूट है यहाँ पर DEM, डेम, जो हमने कल किया था। रूट नंबर वन जो कल का था, डेम का मतलब था पीपल। याद करो कल हमने कौन कौन से रूट किए थे, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको सिर्फ रूट याद रखने होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में फिक्स होते जाते हैं। अब डेम का मतलब होता है पीपल, VOR, वॉर। वॉर का मतलब होता है खाना, टू ईट। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ALTR, ऑल्ट का मतलब होता है गुड। VERTO, रूट का मतलब होता है टर्न। AMBI का मतलब होता है बोथ। CRED, क्रेड का मतलब होता है बिलीफ या बिलीव। FID, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट या फेद। एंड पैन का मतलब होता है ऑल। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड पैन इंडिया, पैन इंडिया सुना है ना आपने, पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया। समझ में आया? पेनोरमा, पेनोरमा क्या होता है, हमारे फोन कैमरा का एक फीचर होता है जिससे हर एंगल से फोटो आती है, हर तरफ से फोटो लेके वो आपको एक लंबी सी स्ट्राइप में दिखा देता है, पेनोरमा। क्लियर है, आगे चला जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी लोग मुझे एक बार ये बताइए कि मतलब मेरी वॉइस सब कुछ एकदम क्लियर है ना। चलिए अब हम चलते हैं आज के पहले रूट पे। आज का जो पहला रूट है, दैट रूट इज LOC and LOQ। LOC and LOQ रूट का क्या मतलब होता है, एक बार ध्यान से देखना, स्पीक या फिर स्पीच, बोलने से रिलेटेड है ये वाले दोनों के दोनों रूट्स, LOC या LOQ, ठीक है ना। अनिरुद्ध, आपको इंग्लिश के किस पोर्शन में प्रॉब्लम है, पता है आप सभी लोग, मेरी दो क्लासेस चलती हैं वोकैबुलरी की एंड ग्रामर की, ग्रामर में हम कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, तो कंप्लीट इंग्लिश का सोल्यूशन आपका मेरे साथ है, सिर्फ मेरी दो क्लासेस आपको जुड़ना है, 4 बजे से एंड 10 बजे से, दैट्स इट। अब जो पहला रूट है, इससे आप लोग के दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं जल्दी से बताइए क्विकली। लाकोनिक, लॉक, ओके, LOC या LOQ, कौन कौन से वर्ड्स आपको पता है, लोकेशियस, गौरव, वेरी गुड, ओके। चलो भाई पहला वर्ड हम देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड इज लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब पता है क्या होता है, लोकेशियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बेहद बोले, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान, जैसे कि इमेज में आपको नीचे दिख रहा है, ब्ला 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 चला जा रहा है इस लेडी का, और ये सोच रही है शी मस्ट बी अ 24/7 रेडियो स्टेशन, यानी कि इतना बोलती है कि एक जरूर कोई ना कोई रेडियो स्टेशन है ये, ठीक है ना। तो टॉकेटिव, गैरुलस, वॉल्यूबल, ये सारे वर्ड्स हैं किसके लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो बेहद बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, लोकेशियस। एंड वी नो LOQ, लोक का मतलब होता है स्पीक या स्पीच, सिर्फ हमें ये वाला रूट दिमाग में रखना है, LOQ का मतलब होता है स्पीक या फिर स्पीच, क्लियर, वेरी वेरी गुड। ईश्वर, पीपल डोंट लव या डोंट लाइक लोकेशियस पीपल, वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉलोकियल।
वर्ड है कॉलोकियल। ये कॉलोकियल का मतलब पता है क्या होता है? इनफॉर्मल स्पीच। जब हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं और फ्रेंड को बोलना हो कि पागल हो गए हो क्या, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर यू नट्स। ये आर यू नट्स का जो स्टेटमेंट है ना, ये एक कॉलोकियल है, कॉलोकियल बोला जाता है इसको। गो बनाना से मैंने जितने भी नीचे आपको दिख रहे हैं ना स्टेटमेंट, ये सारे के सारे कॉलोकियल्स हैं। आप इनफॉर्मली जब किसी से कुछ बोलते हो उसी को बोला जाता है कॉलोकियल। फॉर एग्जाम्पल, किसी फ्रेंड को बोल रहे हो पागल हो गए हो क्या, आप उसको क्या बोलते हैं? आर यू नट्स। आर यू नट्स का मतलब होता है पागल हो गए हो क्या। जैसे कि डोंट चिकन आउट, डोंट चिकन आउट एक कॉलोकियल है, इनफॉर्मल स्टेटमेंट है, जिसका मतलब क्या होता है? डरो मत। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैम बड़ा डर लग रहा है, सीजीएल का एग्जामिनेशन आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं क्या बोलूंगी? डोंट चिकन आउट, गो फॉर इट। ठीक है ना, डोंट चिकन आउट का मतलब होता है डरो मत। आई वॉजेंट बॉर्न यस्टरडे, यानी कि मैं इतना बेवकूफ नहीं। ठीक है ना, बॉर्न यस्टरडे का मतलब होता है बहुत ही नेव इंसान, जिसको कुछ ज्यादा पता ना हो। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं कॉलोकियल, रिलेटेड किससे है? स्पीच से, इनफॉर्मल स्पीच। कॉलोकियल का मतलब होता है इनफॉर्मल स्पीच। एल ओ क्यू लोक का मतलब क्या होता है? इस रूट वर्ड का मतलब होता है स्पीक या फिर स्पीच। हमको सिर्फ रूट वर्ड को दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एग्जामिनेशन में और वहीं से हम मार्क कर लेंगे करेक्ट आंसर। ठीक, हरमाइनी ग्रेंजर, स्पेलिंग्स का ये वोकैबुलरी चल रही है ना, स्पेलिंग्स वाली क्लासेस भी आपकी यहीं पर होंगी, फिकर मत करिए। मैं आपको स्पेलिंग्स के रूल्स बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला है कि स्पेलिंग्स की डेडिकेटेड क्लास ली जाएंगी, जिसमें सबसे पहली चीज जो मैं कराऊंगी आपको वो है स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स। ठीक है ना, हमको जैसे कि अक्सर कंफ्यूजन होती है स्पेलिंग में आई ई आएगा या ई आई आएगा, ओ आई आएगा या फिर आई ओ आएगा, इस तरह की कंफ्यूजन के लिए हमारे पास स्पेलिंग में कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक करके चलेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इलॉक्यूशन। इलॉक्यूशन का मतलब देखकर ही लग रहा है कि क्या मतलब होता है इलॉक्यूशन का, बताइए। डोंट चिकन आउट, डू नॉट अफ्रेड, बिल्कुल सही है। आप लोग के स्टेटमेंट भैया कहाँ चले गए? स्टेटमेंट बनना क्यों बंद हो गए? किसी के स्टेटमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं। आलोक अग्रवाल का चलो ये बना है, आई एम नॉट अ लोकाशियस मैन। चलिए, बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? बैठ के मूवी देखने नहीं आए हैं? आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। मैं एक घंटा बोल रही हूँ तो आप सभी को मेरे साथ स्टेटमेंट्स यहाँ पर बैठ के बनाने हैं। कोई रेस्ट नहीं करेगा मेरे सेशन में, ठीक है ना? अनुराधा द्विवेदी, मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था, आई गेस टेक्निकल टीम की वजह से आपकी तरफ से मे बी अपलोड ना हुआ हो, मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है ना, मैंने पीडीएफ तुरंत सेंड कर दिया था, एक बार आई विल रीचेक। एंड गाइस, पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मिले पीडीएफ तो मुझे सेशन में बोला करिए, नीचे कमेंट सेक्शन कर दिया करिए, क्योंकि पीडीएफ आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इलॉक्यूशन का मतलब होता है पब्लिक स्पीकिंग। अगेन द रूट इज एल ओ सी, जिसका मतलब होता है स्पीक या फिर स्पीच। ये जितने इंसान बीच में आ रहे हैं, जितने भी लर्नर्स आप बीच में आ रहे हो, मैं हर एक वर्ड में फोकस करूंगी रूट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ रूट की मीनिंग हमें दिमाग में रखनी है और हर एक वर्ड की मीनिंग हमें ऑटोमेटिकली याद होगी। इलॉक्यूशन पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल जिससे हम बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, शशि थरूर हैं, दे ऑल शो इलॉक्यूशन। ठीक है ना, इसी स्किल को बोला जाता है इलॉक्यूशन। वेरी वेरी गुड। चलिए, अब बोलना शुरू हुआ है कि मैम पीडीएफ नहीं मिला। पीडीएफ मेरे तरफ से सेंड हो गया है, आई विल कीप अ चेक। मैं एक बार टेक्निकल टीम को रिमाइंड करा दूंगी कि पीडीएफ अपलोड करना है। ठीक है, सेंटेंस बनाइए जल्दी से। क्या बात है, मोदी इज इलॉक्यूशन की जगह आप बोल सकते हैं मोदी हैज इलॉक्यूशन, आप बोल सकते हैं मोदी हैज अ गुड इलॉक्यूशन। ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लोकी। ऑब्लोकी इज द वर्ड। अब ऑब्लोकी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमको फिर से रूट को दिमाग में रखना है। रूट का मतलब है स्पीच या फिर स्पीक। अब जो मैंने नीचे इमेज लगाई है ना, एक बहुत बेहतरीन सा मुझे कार्टून मिला न्यूज़पेपर का। इस कार्टून में यूएस के न्यूज़पेपर ने चाइना को क्रिटिसाइज किया था कि कोई नया वेरिएंट निकला था कोविड का, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि इतना देर क्यों करी तुमने सर्च में, इतना देर में क्यों ढूंढा, या तो क्या पता चाइना ने ढूंढ बहुत पहले लिया हो और बाकी लोगों को, पूरी दुनिया को बताया है एक साल बाद। तो ये हरकतें होती हैं चाइना की। तो यूएस मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। ऑब्लिकी का मतलब होता है स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म,
स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, जिस किसी की जोरदार बुराई करना पब्लिकली, किसी को क्रिटिसाइज करना, इसी को बोला जाता है ऑब्ली की. ठीक है, बिल्कुल सही है, स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म. जितने भी लोग देख रहे हो, आपको टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक के टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ, एंड सेशन के बाद या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से हर दिन की पीडीएफ यू गाइस कैन फेच. ठीक है ना. अब मुझे यहाँ पे यार स्टेटमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं. फाइनली चंदन का स्टेटमेंट आया है. भाई सभी लोग स्टेटमेंट बनाइए. वेरी गुड चंदन, शाबाश, वेरी वेरी गुड, वेल डन. ऋषभ नहीं, सौरभ कुमार बहुत अच्छी कोशिश करी है. सौरभ का वो कहना है कि आप बोला है कि राहुल गांधी डिड ऑब्लिकी ऑफ मोदी, कि राहुल गांधी ने मोदी की क्या करी, क्रिटिसाइज किया उनको. ठीक, क्लियर है ये वाला वर्ड सबको. अगर क्लियर है तो स्टेटमेंट मुझे चाहिए आप लोगों से यहाँ पे. ठीक है ना, एक तरीके का नाउन होता है ये, तो अगर आपको यूसेज में प्रॉब्लम हो रही है तो यूज इट एज अ नाउन, दिस इज अ नाउन. ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सॉली लकी, अभी इसके पहले वाला वर्ड था हमारे पास ऑब्लॉकी, अब ये वाला वर्ड है सॉली लकी. अगेन द रूट इज एल ओ क्यू, जिसका मतलब होता है स्पीक या फिर स्पीच. अब सॉली लकी का मतलब होता है खुद से बात करना. क्या मतलब होता है सॉली लकी का, खुद से बात करना. यहाँ पे जो बच्चा खड़ा हुआ है खुद से बात कर रहा है कि यार बहुत खूबसूरत हो तुम. ठीक है ना, खुद से बात करने को बोलते हैं सॉली लकी. एंड एक मीनिंग और होता है सॉली लकी का, अपनी बात को, अपने थॉट को बिल्कुल अलाउडली बोलना, लाउडली अपने थॉट को एक्सप्रेस करना. जैसे कि किसी प्ले वगैरह में एक जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टेज पे खड़ा होकर अपना थॉट बताता है कि आई फील अबाउट दिस, आई फील अबाउट द प्ले लाइक दिस एंड दैट, वो चीज भी होती है सॉली लकी. ठीक है ना, बहुत ही लाउडली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, प्लस टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, इन दोनों को बोलते हैं सॉली लकी. एंड दिस इज रिलेटेड टू स्पीक एंड स्पीच. हमने क्या याद किया है, एल ओ क्यू रूट, दैट्स इट. ठीक है ना, वेरी गुड. तरुण का आंसर आया है, तरुण का स्टेटमेंट बना है, वेरी वेरी गुड. चंदन वेल डन, ये बहुत अच्छी. चांदनी, चंदन ने चांदनी का स्टेटमेंट आया है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है कि टीवी सीरियल्स में होता है ना कि इविल, मैं तो इसके में जहर मिला दूंगी, मैं ये कर दूंगी, खुद से बात करते हैं अक्सर, तो वो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपका सॉली लकी का. वेल डन. अब हमारे पास नेक्स्ट रूट आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे नेक्स्ट रूट क्या होगा, एक बार बताइए सभी लोग, गेस करिए जल्दी से सभी लोग. Let's see, कौन गेस कर पाता है, बट जल्दी से कोशिश करो. ये दो बिल्लियां, मतलब कैट फाइट मची हुई है, लड़ाई मची हुई है. क्या रूट वर्ड होता है लड़ाई की, जिससे जिसका मीनिंग लड़ाई होती है, बताइए क्या रूट वर्ड होता है. द वर्ड इज बेली, बी ई डबल एल आई, बेली. अब इतने सारे वर्ड्स हैं बेली के, एक बार मुझे सोच के बताइए कोई वर्ड ऐसा है जो आपको पता है बेली का मतलब. बी ई डबल एल आई, बेलाई का मतलब होता है वॉर या फिर फाइट. चलिए देखते हैं कौन बता पाता है क्विकली. सभी लोग, रूट पूछा था मैंने आप सभी लोगों से, रूट बताना था मुझे. जल्दी से बताइए क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड आपने कभी सुना है जिसमें बेली आता है. चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, बेलिकोस. और आपने कोई वर्ड सुना इससे मिलते जुलते, और हजार वर्ड हैं, बताओ कौन कौन से. बिल्कुल सही, बेलिकोस. नहीं सुना कोई वर्ड, जल्दी से बताइए. द फर्स्ट वर्ड इज बेलोना, ये एक नाम है बेलोना. रोम की, रोम इज अ कंट्री, रोम की गॉडेस है, गॉडेस ऑफ वॉर का नाम रखा गया है बेलोना. अब देखो रूट वर्ड, बेसिकली हम चिपके रहते हैं रूट वर्ड से और उसी से नाम रखे जाते हैं. बेलोना नाम रखा है किसका, गॉडेस ऑफ वॉर का. इस तरीके की वो दिखती है, गॉडेस ऑफ वॉर बेलोना. और बी ई एल एल या बी ई एल एल आई रूट का मतलब क्या होता है, वॉर या फिर फाइट. क्लियर है, रूट नंबर वन. हम चलते हैं अगले रूट के ऊपर, अगले वर्ड के ऊपर. द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस. बेलिकोस का मतलब क्या होता है, बेलिकोस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बढ़िया हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे. होता है ना, जैसे कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, हमेशा लड़ने के लिए तैयार कि भैया आओ हम तो तैयार है लड़ने के लिए. चाइना फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान छोड़िए चाइना,
लड़ने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहते हैं ना, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा ऐसे कि दूसरे बाकियों से लड़ाई होती रहे। तो बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, ईगर टू फाइट क्वेरल सम। हमने क्या सीखा है, BELLI बेली इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है वॉर या फाइट। एक नहीं हजार वर्ड है। अगला वर्ड देखिएगा, द नेक्स्ट वर्ड इज बेलीजरेंट। क्या मतलब होता है बेलीजरेंट का, ध्यान से सुनिएगा बेलीजरेंट। वेरी गुड, चंदन का स्टेटमेंट आ गया है। भाई इतना स्लो क्यों हो आप लोग, स्टेटमेंट्स कहाँ है भाई, कहाँ है स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, ईश्वर का स्टेटमेंट आया है, वेरी वेरी गुड, शाबाश मेघा ठाकुर, वेल डन, बहुत सही, वेरी गुड। बाहुबली इज बेलिकोस विद भल्लाल देव एंड आफ्टर लिसनिंग हिज फादर स्टोरी, वेरी वेरी गुड, क्या बेहतरीन स्टेटमेंट है, शाबाश, वेरी गुड। सौरभ एंड ब्रजेश्वर, वेरी नाइस ट्राई, गुड ट्राई। अब हम चलते हैं बेलिजरेंट का मतलब समझ में आया, एग्रेसिव, ईगर टू फाइट, पगनाशियस। जैसे कि हमारा कोई ना कोई भाई बहन एक जरूर ऐसा होता है जिसको मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एकदम एग्रेसिव होता है, तुरंत लड़ाई के लिए तैयार, हमेशा कुछ भी कर दो एकदम इसी मोड में रहता है। तो ऐसा इंसान जो बहुत एग्रेसिव हो, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, दैट पर्सन इज बेलिजरेंट, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, वो इंसान होता है बेलिजरेंट। ठीक है अजय कुमार, आप बेलिजरेंट को यूज करिए स्टेटमेंट में, ठीक है। अब हमारे पास अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजराटी। बेलिजरेटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम वॉर या फाइट से ही मिलता जुलता है। BELLI बेली, इट्स अ रूट जिसका मतलब होता है फाइट या वॉर, दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना है, वो तो हम आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितने हजारों वर्ड हैं, हम तो फिर भी कुछ 5-6-10 वर्ड रखते हैं, लेकिन वर्ड्स एक रूट से 1000 वर्ड होते हैं मिनिमम। अब देखना बेलिजराटी का मतलब क्या होता है, लिटरेरी पीपल, ऑथर्स हु प्रमोट वॉर्स ऑफ एग्रेशन। एक ऐसे ऑथर, ऐसे लेखक या ऐसे मतलब लोग जो कुछ लिखे और जिससे कि मतलब फाइट, जो अंदर लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, वो भड़के, ऐसे लोगों को बोला जाता है, राइटर्स को बोला जाता है बेलिजराटी। अब एक बार सोच के देखना, अगर हमें बेली रूट पता होता, BELLI पता है, और एग्जाम में ये वर्ड आता है और इसका मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा मीनिंग है जहां पे आपको दिख रहा है वॉर, यू विल डेफिनेटली मार्क दिस एज द आंसर। समझ में आया, वेरी गुड मॉन्टीसोरी, बेहतरीन आपका स्टेटमेंट बना है, लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को स्विच कर देना तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा और मजेदार हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियंस बेलिजराटी बन गए, ऑस्ट्रेलियंस बेलिजरेंट बन गए जब वो हारे इंडिया से 9 विकेट से, ठीक है ना, बेहतरीन, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल रीमा दास, शाबाश, क्या स्टेटमेंट है, सभी लोग बनाएंगे भाई, मजा आएगा तभी जब आप स्टेटमेंट्स बनाओगे, वेरी गुड शाबाश। जैसे आप बोल सकते हैं द चीफ राइटर या फिर द चीफ ऑथर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल इज अ बेलिजराटी, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, इस न्यूज़पेपर का जो चीफ ऑथर है वो बेलिजराटी है, दैट मीन्स वो ऐसी एडिटोरियल्स में ऐसे ऐसी राइटिंग्स या आर्टिकल्स लिखता है जिससे कि लोगों के अंदर का गुस्सा जागता है, लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक वर्ड आता है रेबेल, रेबेल वर्ड, बेल रूट या फिर बेली रूट, ठीक है ना। रेबेल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज के हमेशा खिलाफ रहे, रेबेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के हमेशा खिलाफ रहे, जो क्या बोलते हैं बाघी, हर चीज के खिलाफ रहने वाला वो इंसान होता है रेबेल। समझ में आया, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा सेंटेंस आपने बनाया है चंदन। इन फार्मर्स प्रोटेस्ट अ लॉट ऑफ बेलिजराटी अर्नड ब्रेड, क्या बात कह दी है, बहुत पते की बात बोली है आपने, शाबाश तरुण, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अब हम चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर, द नेक्स्ट वर्ड इज रेबेलर। अगेन वही रूट आ रहा है BELL, रेबेलर का मतलब होता है वन हु रेबल्स और रिस्पॉन्सेज। ये रेबल एंड रेबेलर बोथ आर सेम, रेबल एंड रेबलर बोथ आर सेम। एक ऐसे इंसान को रेबलर बोला जाता है जो कि किसी चीज का अपोजिट करे, मतलब ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा है किस तरीके का एटीट्यूड होता है रेबल पीपल का।
कुछ ना मानने वाले, मतलब हमारे स्कूल में भी याद करो हमारे क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे, टीचर कुछ करवा रहा है कुछ बोल रहा है पीछे बैठ के अजीब अजीब आवाजों निकालना। मतलब मुझे तो अपने क्लास का याद है, सामने मैथ्स के टीचर मैथ्स करवा रहे हैं पीछे बैठ के मियाओ और कुत्ते की आवाजें निकालना, मतलब हद होती थी। इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं रेबल या फिर रेबलर, क्लियर है। फिर हमारे पास आता है रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब होता है म्यूटिनी एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस। ऐसे लोग मतलब एकदम विद्रोह पे जो लोग निकल पड़ते हैं ना, फार्म्स प्रोटेक्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेबिलियन। लोग एकदम सरकार के विद्रोह में जब आते हैं ना, इसी चीज को बोला जाता है रेबिलियन, ठीक है ना। विद्रोह या फिर अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, लोग भीड़ प्रोटेस्ट निकालने लगते हैं, प्रोटेस्ट को आप रेबिलियन बोलते हैं। फार्म्स प्रोटेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रेबिलियन, ठीक है ना। शाबाश। अब हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड है एंटीबेलम। सभी लोग रूट्स को याद रखेंगे, बीई डबल एल या बीई डबल एल आई रूट का मतलब होता है वॉर या फिर फाइट, दैट्स इट। इन दोनों रूट्स को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर या फाइट। एंटीबेलम अ पीरियड बिफोर द वॉर और पोस्टबेलम अ पीरियड आफ्टर द वॉर। आप सभी को रूट वर्ड्स पता होने चाहिए। एंट, एंट का मतलब होता है किसी चीज के पहले, एंट का मतलब है पहले एंड पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बाद। तो एंटीबेलम होता है वॉर के पहले का टाइम और पोस्टबेलम होता है वॉर के बाद का टाइम, ठीक है। बताइए समझ में आया ये चीज सभी को, शाबाश, वेरी गुड। अब स्टेटमेंट्स बनना फाइनली शुरू हुए हैं, शाबाश, वेरी वेरी गुड। अल्बर्ट आइंस्टीन, ईश्वर, निकिता, चंदन, वेरी वेरी गुड। चांदनी, वेल डन। ब्रजेश कुमार, नाइस नाइस, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बेली पोटेंट। आपने देखा भाई कितने वर्ड्स हैं जिसमें बेली आता है, बेली पोटेंट, पावरफुल और माइटी इन वॉर। बेली पोटेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर मतलब जिसका पलड़ा भारी होता है वॉर में। जैसे कि जब भलाल देव और बाहुबली में अगर वॉर हो तो कौन बेली पोटेंट होगा, बाहुबली होगा ना वो बेली पोटेंट। यहाँ पे मैंने ये देखिए हल्क की फोटो लगा रखी है इसलिए बेली पोटेंट में, पावरफुल और माइटी इन वॉर, जो लड़ाई में जिसका पलड़ा भारी हो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वही है बेली पोटेंट। फिर आता है बेलिक। बेलिक इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वॉर लाइक, युद्ध जैसा, युद्ध जैसा। फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी एकदम बाहर से शॉपिंग करके घर के अंदर घुसी है, मैं और मेरे भाई कुछ मतलब ऐसी पोजिशन में है, मैंने उसका गला पकड़ा है, उसने मेरा गला पकड़ा है, ठीक। मम्मी ने बोली व्हाट्स दिस, हमने बोला कि नहीं मम्मी बस चेक कर रहे थे एक दूसरे का गला सॉफ्ट तो है ना। मम्मी ने बोला बट आई फाउंड इट बेलिक। मम्मी को क्या लगा, हम दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई, तो मम्मी को वो वॉर लाइक लगा, तो मम्मी ने बोला बट आई फाउंड इट बेलिक, BELIC, बेलिक, शाबाश, बेलिक, ठीक है ना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। भीम इज बेली पोटेंट, वेल डन। My father is belly potent. Very, very good. शाबाश। ब्रजेश, हरमाइनी, सौरभ, ईश्वर, very, very good. ये मेरे regular students तो statements बना ही रहे हैं। बाकी जितने भी students देख रहे हो ना, आप लोग मुझे बनाइए। मतलब statements बनाओगे तो यार मुझे एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि मेरे कौन कौन से students हैं जो मुझे यहाँ पे देखते हो। मुझे बहुत सारे students का नाम याद हो गया है जो मतलब हर दिन मुझे क्लास में दिखते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे हो जाइए यार, एक्टिव रहा करिए मेरी क्लास में, ठीक है ना। राहुल कुमार सिंह, शाबाश। विश्वजीत, वेरी वेरी गुड, नाइस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस। क्या मतलब होता है बेलिकोस का, अगेन फिर से जो लोग बाद में आए हैं, BELL and BELLI, दिस रूट, इसका मतलब होता है वॉर या फिर फाइट। अब हर एक वर्ड आपको वॉर या फाइट से मिलता जुलता ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेलिकोस, हैविंग और शोइंग अ रेडी डिस्पोजिशन ऑफ फाइट। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल, दिस गर्ल इज अ बेलिकोस, एक ऐसा इंसान जिसको ना बड़ा ही पसंद हो लड़ाई। कुछ भी हो, हर चीज का सलूशन लड़ाई होता है। कुछ मतलब होते हैं लोग भी ऐसे कि मतलब कुछ छोटी सी बात हो गई पूछेंगे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, दिक्कत है क्या, चला जाए क्या। इस टाइप के लोग क्या होते हैं, हमेशा पंगा करने की, लड़ाई करने की उनकी हैबिट होती है, उनको पसंद होता है, मतलब मजा आता है
जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि लड़ाई झगड़ा करो, भौकाल टाइट करो। ठीक, तो ऐसे लोग होते हैं बेली कोस। मुन्ना भाई सर्किट क्या थे? बेली कोस थे। समझ में आया? शाबाश, आर्टिकल नंबर 21। अब हम यहाँ हैं। चलिए, आपको फाइनली हम देखे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मुझे दिख गए हैं, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स आ भी गए हैं मेरे पास। वेरी वेरी गुड। अब चलते हैं हम बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी का मतलब क्या होता है? अगेन, अ नेचुरल डिस्पोजिशन टू फाइट। डिस्पोजिशन का मतलब होता है लाइकनेस, लड़ाई को पसंद करना। ठीक है ना? जैसे कि बोलूंगी ही इज शोइंग बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी एक नाउन होता है, नाउन की तरह आप इसको यूज करेंगे। बेलिकोस भी नाउन है, ठीक है ना? बेलिकोसिटी टेंडेंसी ऑफ लाइकिंग वॉर्स, युद्ध को पसंद करने की। जैसे कि चाइना, चाइना शोज बेलिकोसिटी हमेशा, मतलब वो क्या करता रहता है, अपने वेपन्स, अपने हथियार और बॉम्ब्स का हमेशा टेस्टिंग करता रहता है। बिकॉज ही दिस शोज चाइनास बेलिकोसिटी। ठीक है, समझ में आया? माय नेबर इज अ बेलिकोस, रीमा दास, वेरी गुड। क्या बात है धीरज बंसल, वेरी वेरी गुड। क्या बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट आपने बनाया है अजय कुमार, वेल डन। चंदन, वेरी गुड। ईश्वर, नाइस, बेहतरीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। एक हमारे पास वर्ड है बेलिसिस्ट। बेलिसिस्ट क्या लगता है? हमें तो रूट पता ही है, हमें क्या डरना भैया वर्ड के मीनिंग से। रूट तो हमको पता है, BELI रूट का मतलब होता है लड़ाई। और अन एडवोकेट ऑफ वॉर, जो हमेशा लड़ाई के पक्ष में हो, वही होता है बेलिसिस्ट। लड़ाई के पक्ष में रहने वाला है बेलिसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन, कुछ भी बात हो पकड़ा दिया उसको, क्या हथियार के जाओ भाई बाहर आओ। बेलिसिस्ट अ पर्सन हु इज एडवोकेट ऑफ वॉर, हमेशा लड़ाई के पक्ष में रहने वाला। एंड रेबिलियस क्या होता है? अगेन, रेबल से मिले रिलेटेड, रेबलर से रिलेटेड। रेबिलियस क्या होता है? रेजिस्टिंग कंट्रोल और अथॉरिटी, जिसको कोई कंट्रोल अथॉरिटी ना भाए वो इंसान होता है, कहलाता है रेबी। क्लियर है सबको? वेरी वेरी गुड। राहुल पटेल, किसने बोला हम आपको एसपी बख्शी पढ़ा रहे हैं? एसपी बख्शी हम तो नहीं पढ़ा रहे आपको, आई गेस अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। एसपी बख्शी की गाइस आपकी क्लास सुबह 11 बजे होती है, ठीक है ना? 11 बजे अंजलि मैम आपको एसपी बख्शी कराती हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास रूट आ चुका है। अब हमने एक चीज देखी कि बेल और बेली से, फिर से रिवाइज करिए, दिमाग में एकदम यहीं पर बैठ जाना चाहिए। बेल या बेली का मतलब होता है वॉर या फिर फाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है TOX, टॉक्स, दैट मीन्स पॉइजन। चलिए मुझे जल्दी जल्दी से बताइए कितने वर्ड्स हैं जो आपको टॉक्स से पता है। बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, आई कैन बेट। जल्दी से बताइए, क्योंकि टॉक्स से बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्विकली, शाबाश मॉन्टीसोनी, वेरी वेरी गुड, सो इंप्रेसिव। बिल्कुल तुषार लॉयल, बेहतरीन स्टेटमेंट है आपका। टॉक्सिक एंड टॉक्सिक के अलावा टॉक्सिन, वेरी वेरी गुड। टॉक्साइल, वेरी वेरी गुड। टॉक्सिसिटी, वेल डन। एंड बीटॉक्स एंड टैक्सोनॉमी, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। ये सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं किससे? पॉइजन से। 99% वर्ड्स रिलेटेड हैं पॉइजन से, 1-2% तो कभी ना कभी छूट जाते हैं। अब हम आते हैं पहले वर्ड के ऊपर। द फर्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। एवरीबडी नोज टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहरीला या पॉइजनस, ठीक है ना? कोई चीज अगर टॉक्सिक है तो वो जहरीली है, वो चीज पॉइजनस है। फिर हमारे पास आता है डिटॉक्सिफिकेशन। आपने सुना भी होगा डिटॉक्सिक के बारे में, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। जैसे कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं, बोला जाता है कि ये ड्रिंक है एक डिटॉक्स है, बहुत अच्छा डिटॉक्स है। कौन सी ड्रिंक होती है बहुत अच्छा डिटॉक्स? ग्रीन टी होती है, बहुत अच्छा डिटॉक्स। और डिटॉक्स का बॉडी के लिए काम क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? डिटॉक्स ड्रिंक उनको क्यों बोला जाता है, उनका आखिर काम क्या होता है, बताइए? टॉक्स का मतलब है पॉइजन, ठीक? हमको दिमाग में रखना है कि टॉक्स का मतलब है पॉइजन। डिटॉक्स यानी कि पॉइजन का जस्ट अपोजिट, पॉइजन को हटा देने वाला, रिमूव कर देने वाला। तो जो डिटॉक्स का मतलब है, डिटॉक्स का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिन, द रिमूविंग
पॉइजन, ठीक है ना। तो जो हमारी जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं वो हमारी बॉडी का पॉइजन नहीं, जो हार्मफुल जी चीजें हम खाते हैं, जो अनहेल्दी चीजें हम खाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं ग्रीन टी पीकर या फिर डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक्स पीकर, ठीक है ना। बिल्कुल सही, यही काम होता है आलोक एंड शारदा, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन देखा, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन्स को ही बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, याद रहेगा ना। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एवरीवन नोस, ये लॉजी जब हम कहाँ यूज करते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक। सारे रूट्स हमको सीखने हैं, अगर हर रूट हमने जिस दिन सीख लिए ना तो हम डिक्शनरी बन जाएंगे, समझ लेना कि जिस दिन आपने सारे रूट सीख लिए यू विल बी अ डिक्शनरी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी एंड टॉक्स का मतलब होता है पॉइजन, तो पॉइजन की स्टडी को बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अजय सिंह किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, हर बुक से आपके ढूंढ के रूट वर्ड्स निकाले हैं और फिर आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर आता है इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि किसी जहर के चक्कर में पड़ जाना, इंटॉक्सिकेटेड किसी चीज की लत लग जाना, ठीक है ना। किसी बेसिकली किसी नेगेटिव चीज की लत लग जाने को बोला जाता है इंटॉक्सिकेटेड। एक वर्ड इसी से मिलता जुलता आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन नाउन है और इंटॉक्सिकेटेड वर्ब है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इंटॉक्सिकेशन इज अ नाउन, इंटॉक्सिकेटेड इज अ वर्ब। इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी चीज की लत लग जाना, किसी नेगेटिव चीज की, बुरी चीज की, ठीक है ना। फोन की भी, मोबाइल फोन की भी लत लग गई है तो वो भी आपका इंटॉक्सिकेशन ही है, ठीक है ना। क्लास की प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी अमन कुमार, डोंट वरी, यहीं पर चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल अनुराधा द्विवेदी, आप नीचे सेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या चीज पढ़नी है ऐसी, क्योंकि अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो जिससे मुझे पता चलता है कि क्या क्या चीजें हैं जो मेरे स्टूडेंट्स की वीक हैं, ठीक है ना। तो सेशन के नीचे आप कमेंट क्या करिए, लाइव चैट के कमेंट्स में मुझसे मिस हो जाते हैं, इस वजह से सेशन जैसे ही खत्म होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो आपके वीक हैं, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूट के ऊपर। बेली का मतलब था वॉरलाइक या फिर फाइटिंग, और हमारे पास नेक्स्ट रूट कौन सा था, टॉक्स, TOX, टॉक्स का मतलब था पॉइजन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूट पे, द नेक्स्ट रूट इज ट्रांस, TRANS, trans is the root, जिसका मतलब क्या होता है, trans का मतलब होता है across, beyond या through, आप बोल सकते हैं पूरे में या किसी चीज के पार, इस चीज को बोला जाता है trans। across का मतलब क्या होता है, भरे पूरे में, ठीक है ना, यही चीज होती है trans। अब हम आपके दिमाग में कौन कौन से अच्छा वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें trans आता है, एक बार सोच के बताइए जल्दी से। आलोक अग्रवाल, ये वाली बेली मत सोचिएगा, ये BELLY बेली तो दोस्त होता है पेट, ठीक है ना। BELLY इज द रूट, ठीक है ना, ये रूट है, आई होगा यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड, ट्रांसफर, वेरी वेरी गुड। अब हम आते हैं पहले वर्ड पे, पहला वर्ड है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब है पूरे कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट भर में, कॉन्टिनेंट भर में कोई चीज हो रही है तो वो चीज है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ये ट्रांस का मतलब ही होता है अक्रॉस, पूरी जगह, ठीक। और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि एक जगह से पूरा पूरा उठ के दूसरी जगह पर चले जाना, इसी चीज को बोला जाता है ट्रांसफर, है ना। ट्रांसफर समझ में आया, बिल्कुल। अरे भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं ट्रांस से, आपको बहुत ही ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि ट्रांस के तीन मीनिंग्स हैं, अक्रॉस, बियॉन्ड एंड थ्रू। ये तीनों चीजें आपको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा के रखनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है आखिर बताइए, ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, टू कैरी समथिंग अक्रॉस अ स्पेस, एक जगह से उठाकर किसी चीज को दूसरी जगह ले जाते हैं, और यही तो काम होता है ट्रांसपोर्ट का। तो टू कैरी समथिंग अक्रॉस स्पेस, यानी कि पूरी एक जगह से चीज उठा के दूसरी जगह ले जाना, यही काम होता है, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, ठीक है।
बिल्कुल, बाहुबली इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल मूवी, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, वेल डन चंदन, वेरी वेरी गुड। सौरभ कुमार क्या बात है, कोरोना इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल, बिल्कुल सही है, कोरोना इज स्प्रेडिंग ट्रांसकॉन्टिनेंटली, वेरी वेरी गुड, शाबाश रीमा दास, वेरी वेरी गुड, वेल डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूट के ऊपर, जरा बताएंगे नेक्स्ट रूट कौन सा हो सकता है, ये सबको पता होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सा रूट है, एवरीवन नोस, जल्दी से बताइए क्या होगा नेक्स्ट रूट, थोड़ा सा इसको देखकर गेस करिए क्या हो सकता है नेक्स्ट रूट, बताइए सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, आर्या ने बोला है मैम प्लीज ट्रांसपोर्ट योर मिलियन टू अस, ओके फिल रूट होना चाहिए। चलिए आप लोग ने गेस तो अच्छा किया है, लेकिन फिल के साथ साथ एक रूट और होता है जिसका मतलब होता है लव या फिर मॉरल, एक और हमारे पास रूट होता है फिल का मतलब, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे फिल बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है, लेकिन एक और रूट होता है जिसका मतलब होता है लव या फिर मॉरल, यानी कि नेक, आमी या फिर आमो, ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, AMI आमी या फिर AMO आमो, इन दोनों रूट्स का मतलब होता है लव या मॉरल, यानी कि जो आपके 98% 99% वर्ड्स हैं जिनमें आपको आमी या आमो दिख रहा है, दोस वर्ड्स आर पॉजिटिव इन मीनिंग। ठीक, अब चलिए देखते हैं, पहला वर्ड हमारे पास है एमोर, AMOR एमोर, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ लव, जो लव के भगवान है, गॉड ऑफ लव है, उनको बोला जाता है एमोर। बेसिकली हमारे पास रूट वर्ड है AMO जिसका मतलब है लव या फिर मॉरल, ठीक है ना, AMI या AMO जिसका मतलब है लव या मॉरल, एंड वी ऑल नो दिस, ठीक है, वेरी वेरी गुड, एमिएबल, शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। आपने कोई गाना भी सुना होगा ना, एक्चुअली टी एमओ मेरे दिमाग में तो अभी स्ट्राइक किया, अमो मतलब कोई और लैंग्वेज है ये, लेकिन अमो का मतलब होता क्या है, अमो इज रूट वर्ड जिसका मतलब होता है लव या फिर मॉरल, ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल स्पैनिश है, वेरी वेरी गुड। अब अमोरेट का मतलब क्या होता है, AMORET, अमोरेट का मतलब होता है लव सॉन्ग्स, जो हमारे लव सॉन्ग्स होते हैं जिनको हम सुनते हैं रोमांटिक गाने, वो उनको बोला जाता है अमोरेट, ठीक है ना, फ्रांसी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो उनको एमोरेज, दिमाग में अगर रूट है AMO या AMI का मतलब होता है लव या मॉरल, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास एक रूट आता है अमोरली, अमोरली, अब इस रूट को आप पता है इसको आप याद कैसे करोगे, यहाँ बेसिकली अ लगा हुआ है मॉरली के पहले, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बीच में अलग से आ गया है। मॉरल का मतलब क्या होता है, मॉरल का मतलब होता है वो ऐसी अच्छी चीज है जिनको हम फॉलो करते हैं, मॉरल वैल्यूज, जो सभ्यता है हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, ए लगा दिया यानी कि उसको नेगेटिव कर दिया है, तो विदाउट रिगार्ड और मोरालिटी, इसी को बोला जाता है अमॉरली, ठीक। एक वर्ड आता है एमिटी, आप लोगों ने सुना भी होगा एमिटी यूनिवर्सिटी, अब इसी इसी से एक वर्ड लिया गया है एमिटी, क्या मतलब होता है एमिटी का, दोस्ती, दोस्ताना चीज है, दैट इज रिलेटेड टू amity, friendly and peaceful relations, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, peaceful relations, friendly relations, जैसे कि आप बोल सकते हैं for example India and Afghanistan show amity, there are amity relations between India and Afghanistan, ठीक है, शाबाश, समझ में आया, very very good, टू टू फ्यू एग्जाम रिमार्क्स की जगह पर हो जाएगा अ फ्यू रिमार्क्स, ठीक है ना, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर नथिंग, समझ में आ गया ये वाला वर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, एमिएबल, किसी ने अभी मुझे स्टूडेंट ने एग्जाम्पल बताया था एमिएबल, क्या मतलब होता है एमिएबल का, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या फिर प्लीजेंट, बोल सकते हैं दिस बियर लुक्स एमिएबल, हम गए हैं बाहर घूमने किसी नेचुरल नेशनल पार्क में और तभी हमको दिख गया पर एक बियर, और अगर कोई बियर आपको इस तरीके का इतना क्यूट सा दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि आई कैन गो क्लोज, दिस बियर लुक्स एमिएबल, यानी कि ये बियर थोड़ा सा फ्रेंडली लग रहा है, हम इसके पास जा सकते हैं, ठीक है ना, तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या फिर प्लीजेंट।
और amorousness का मतलब क्या होता है। अगेन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, AMI AMO, इन दोनों रूट्स को हमें एकदम दिमाग में रखना है, क्या मतलब होता है लव या फिर मॉरल यानी कि नेक। amorousness का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ लव एंड फॉन्डनेस। फॉर एग्जाम्पल दिस बियर इज शोइंग amorousness, लग रहा है ना इस बियर को देख के कि ऐसे लग रहा है कूद के आके हमसे मतलब हग कर लेगा हमको। सो amorousness का क्या मतलब होता है, द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस। ठीक है, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे, amorate। द नेक्स्ट वर्ड इज amorate। amorate अ प्रेटी लव अफेयर। एमिएबल एंड एमिकेबल के बीच में डिफरेंस कुछ एज सच नहीं होता है, बोथ आर सेम क्योंकि उनमें हमारे पास रूट सेम है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड्स ही हैं दोनों, एमिएबल एंड एमिकेबल। फॉर एग्जाम्पल एमिएबल को इंसान फ्रेंडली दिख रहा है, एमिएबल है। अब आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है, आप बोल सकते हैं कि वी हैव एमिकेबल रिलेशंस विद मिस्टर शर्मास या फिर शर्मास, वी हैव एमिकेबल रिलेशन विद शर्मास। एमिकेबल एंड एमिएबल यू कैन से बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक, अब मुझे बताइए amorate, अगेन द रूट इज AMO एंड amo रूट का मतलब क्या होता है, लव। तो amorate का मतलब होता है अ प्रिटी लव अफेयर। ठीक है ना, प्रिटी लव अफेयर। आप लोग भैया स्टेटमेंट्स बनाने की स्पीड बहुत कम हो चुकी है गाइस, प्लीज स्टेटमेंट्स बनाइए क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक अगर ये वर्ड्स, अगर अभी पढ़ के वर्ड्स भूल जाने हैं तब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखने हैं हर एक रूट को तो जरूर से आप स्टेटमेंट्स बनाइए। ईश्वर का स्टेटमेंट क्या गजब है, इवन आई हैड अ क्रश विद गर्ल बट माई फ्रेंड्स मेड इट amorate। बेहतरीन, वेरी नाइस। रोमियो एंड जूलियट स्टोरी वॉज amorate, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अमन कुमार पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू जॉइन दैट ग्रुप एंड फेच योर पीडीएफ। ठीक, amorist का मतलब क्या होता है, amorist का मतलब होता है वन डेडिकेटेड टू लव एंड लव मेकिंग। ठीक है ना, जो मतलब जिसकी प्रायोरिटी लव हो उस इंसान को बोलते हैं amorist। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ रही हैं, पैसा चुनोगे या फिर प्यार चुनोगे, तो जो लोग हार्ट की तरफ जाते हैं वही लोग होते हैं कौन, amorist। ठीक, समझ में आया, सलमान इज एन amorist इन पार्टनर मूवी, वेरी वेरी गुड सौरभ, शाबाश। यूएस क्लासेस, नाइस ट्राई, वेल डन। अब हम चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर, amorist क्या मतलब होता है amorist का, इट इज an adjective, कोई चीज है, जैसे कि my mother is very amorous, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी है, हमेशा प्यार दिखाती है, दुलार दिखाती है, so my mother is amorous। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है root and the root word is amo या फिर ami, right? amo and ami यही root words हमको दिमाग में फिट रखने हैं, बाकी दुनिया के जितने words हैं 99% of words इनमें amo या ami आ रहा है are related to love and moral। Amoristic, pertaining to romantic love or who writes about it. कोई ऐसा इंसान है, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर वॉज amorist, शेक्सपियर वॉज ऑल्सो amoristic, है ना, उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हुई हैं कुछ रोमांटिक, सो शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द amoristic राइटर। ठीक, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड, एल्बर्ट आइंस्टीन, मोनिका वेल डन, नवनीत तिवारी शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाइए सचिन, यू आर amorist, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए सेंटेंस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूट के ऊपर, तो आज का हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, san। अब मुझे बताइए कोई ऐसा वर्ड आपको पता है जिसमें ये रूट आता है san, हेल्थ या फिर क्लिनिक, क्लिनिक नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इनसेन, इनसेन sane आता है ना। अब मुझे आप बताइए कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें san आता है, क्विकली एवरीवन, मैम वी आर amorist टुवर्ड्स योर फोन कवर, ओके जल्दी से बताइए, क्लास रोज होती है, क्लास टाइमिंग इज 4 PM शार्प फॉर वोकैबुलरी सेशन एंड 10 PM शार्प फॉर योर ग्रामर सेशन। सैनिटेशन, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, सैनिटरी, सैनिटेशन, सैंडिस्क, ओके
सैनिटाइज, बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आ रहा होगा सैनिटाइजर क्यों रखा गया है, सैनिटाइजर का नाम मतलब सबसे ज्यादा यूज्ड थिंग हमारे साथ रही है एक साल से, मतलब एक साल तक, पिछले साल से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा यूज चीज हमारे पास रही है सैनिटाइजर। एंड नाउ वी नो कि सैनिटाइजर का नाम आखिर आया कहां से है ना, सैनिटी, सैंडर्स, सैनिटरी, बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं पहले वर्ड के ऊपर। द फर्स्ट वर्ड इज सेन या फिर सैनिटी। सेन का मतलब क्या होता है? सेन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन हु इज हैविंग गुड मेंटल हेल्थ। वी ऑल आर सेन, वी ऑल आर सेन। आप लोग आराम से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वी ऑल आर इन गुड मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल स्टेट, जो बिल्कुल से दिमाग से नॉर्मल होता है उसी को बोला जाता है सेन। ठीक। एंड द रूट वर्ड एस ए एन मीन्स क्या होता है? या तो क्लीन या तो हेल्थ। दिमाग में हमको रखनी है एक चीज और वो है ये। नेक्स्ट वर्ड है इनसेन। एवरीबॉडी नोस सेन का जस्ट ऑपोजिट इनसेन, जिसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं हो, बैड मेंटल हेल्थ में हो, जिसको हम बोल सकते हैं कि पागलपन वाली हरकत करता है, वो होता है इनसेन। ठीक है ना, नॉर्मल इंसान भी कभी कभी इनसेन हो सकता है, जैसे कि रोड पे जो लोग गाड़ी चलाते हैं एकदम 100 के ऊपर स्पीड में, वो भी तो इनसेन ही होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी बताइए। वेरी गुड ईश्वर, वेरी वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सैंगिरॉइड। सैंगिरॉइड का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसा इंसान जिसकी सोच बहुत साफ हो और जो हर चीज में पॉजिटिव देखता हो, उस इंसान को बोला जाता है सैंगिरॉइड। जिसकी सोच बिल्कुल क्लीन है और जो हर चीज में बिल्कुल पॉजिटिव देखता है, बहुत ही हेल्दी थिंकिंग है जिसकी। ठीक है ना, समवन हु इज हैविंग हेल्दी थिंकिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड सैंगिरॉइड। हेल्दी थिंकिंग या हेल्दी थॉट्स जिसके हों। सैंक्टिटी क्या मतलब होता है? सैंक्टिटी का प्योरिटी या फिर क्लीनिनेस। ठीक है ना, एवरीबॉडी नो सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है? सफाई या सुथराई। कोई इंसान बिल्कुल प्योर है, पवित्र है, हम क्या बोलते हैं? सैंक्टिटी ऑफ रिवर गंगा, पवित्रता, गंगा की पवित्रता। सैंक्टिटी ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी की पवित्रता। ठीक है ना, सैंगिरॉइड, वेरी वेरी गुड। अल्बर्ट आइंस्टीन, वेल डन। आलोक अग्रवाल, माय फ्रेंड इज ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट, इतना काफी है। ठीक है ना, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट और बेहतरीन एकदम, मतलब रिलेटेबल स्टेटमेंट बनाया है हरमाइनी आपने। हरन्या मैम इज इनसेन व्हेन वी डोंट मेक सेंटेंसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, वेरी गुड। करण अर्जुन मूवी, देयर मदर वॉज सैंगिरॉइड, वेल डन, वेरी वेरी गुड, शाबाश। सैंक्टिटी, वेरी गुड ईश्वर, वेल डन। रीमा धीरज, वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया ना ये दोनों वर्ड्स आपको। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड होता है सांग्वीन। सांग्वीन इज अगेन समवन हु हैज हेल्दी थिंकिंग, हेल्दी थॉट्स, अगेन अ पर्सन विद हेल्दी थॉट्स। ठीक है ना, अब देखिए ये वाली जो इमेज है, यहाँ पे जितने यहाँ पे आपको बॉल्स दिख रही हैं, बेसिकली ह्यूमंस हैं, जितने ह्यूमंस हैं सबकी अनहेल्दी थॉट्स हैं, दुखी हैं वो किसी ना किसी रीजन से, मतलब दुख सबकी लाइफ में है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा ही दुखी रहते हैं, अनहेल्दी थॉट्स होते हैं जिनके, और बीच में एक बॉल है जिसका हेल्दी थॉट्स है, जिसके जो ऑप्टिमिस्टिक है। तो सैंग्विन बेसिकली रूट हमें क्या याद रखना है? एस ए एन, जिसका मतलब होता है क्लीन, जिसका मतलब होता है हेल्थ, राइट? ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसी प्लेस होती है, आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार एसएससी पूछता है ये वर्ड सैनिटोरियम, अब हमें कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज नाउ वी नो द रूट ऑफ सैनिटोरियम। सैनिटोरियम में सैन रूट आया है, जिसका मतलब होता है हेल्थ, और मेंटलिस्टिक पर्सन को हेल्दी होने के लिए जहां पे रखा जाता है उस प्लेस को भी बोला जाता है सैनिटोरियम। किसको समझ में नहीं आया बताइए? धीरज बंसल, वेरी वेरी गुड, शाबाश। हरमाइनी ग्रेंजो, वेरी गुड। एल्बर्ट आइंस्टीन, चंदन, वेरी वेरी गुड। अरुण, आज बहुत देर बाद आपके स्टेटमेंट दिखे हैं मुझे, शाबाश, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है मिल्खा सिंह के ऊपर आपका, चंदन, वेरी गुड। ठीक है ना, सैंग्विन पर्सन आर ऑलवेज सक्सेसफुल, रुपिंदर कौर, वेरी वेरी गुड, शाबाश।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये वाला समझ में आ गया ना, सैनिटोरियम का मतलब होता है जहां पे मेंटली इल पीपल को रखा जाता है टू बिकम हेल्दी। अब हमारे पास एक वर्ड आता है सैनिटेशन। एवरीबडी नोज, अभी अगर घर में कोविड पेशेंट्स आ जाते हैं, दो तीन कोविड पेशेंट्स हो जाते हैं कोविड पॉजिटिव, उसके बाद क्या करती है अथॉरिटी, उसके घर को, उसके घर का सैनिटाइजेशन करवाती है। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है क्लीनलीनेस, किसी चीज की सफाई को ही बोला जाता है सैनिटाइजेशन। एंड वी नो द रूट, नाउ वी नो द रूट। अगर सैनिटाइजेशन कभी हम भूल भी जाते हैं भूले भटके, अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमको सान का मतलब पता है। सान का मतलब होता है हेल्थ एंड सान का मतलब होता है क्लीन। ये वर्ड्स आप इतना दिमाग में रखो कि हमको इस सेशन में ही सीख के जाना है हर एक वर्ड, हर एक रूट। आपको इस सेशन से जब आप बंद करोगे, जब मेरी क्लास 5 बजे ओवर होगी, आपको हर एक रूट याद होना चाहिए। और लास्ट में हम एक बार समराइज करेंगे, हर एक रूट को दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक। अब हमारे पास एक और रूट आता है, ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड नवनीत तिवारी, बहुत अच्छा आपका स्टेटमेंट है, वन शुड बी सैंगरॉइड इन नेचर। वेरी वेरी गुड, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट रूट है वीआईवी। वीआईवी जिसका मतलब होता है लाइफ, या जिसका मतलब होता है लिव, LIVE, लिव। एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले अच्छा आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ वर्ड का, विविड। अब बाकी वर्ड्स मुझे आप पहले सोच के बताइए, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपने सुने हैं जिनमें वीआईवी आता है। लेट्स सी कितने वर्ड्स की नॉलेज आपको है। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। मैम यहाँ दैट लगा तो बिल्कुल गलत नहीं है, सिर्फ फ्यू गलत है। टू टू आप जो स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना, उसमें एक गलती है फ्यू की। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और अगर कोई कुछ रिमार्क बोल रहा है तो मतलब कुछ तो उसमें रिमार्क दिया होगा ना, इस वजह से आप फ्यू की जगह पर लगाओगे अ फ्यू, ठीक। लिवलीहुड, विशियस, विविपोरस, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन विवेक। अंजनी ने बोला है विवेक, ऐसे ही और आपको वर्ड्स पता है तो बताइए। वी आई वी का मतलब होता है लाइफ या लिव, ठीक है ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं पहले रूट के ऊपर, द फर्स्ट वर्ड इज विवेशियस। अभी मुझे किसी ने बताया है विवेशियस, एंड वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही वर्ड है, लाइवली, एनर्जेटिक। मॉर्निंग में कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम दौड़ भाग करने पहुंच जाते हैं पार्क के अंदर, किसी पार्क में जाओ वहां पे इवन बूढ़े लोग आपको कैसे दिखेंगे, विवेशियस स्टेट में दिखेंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक, एकदम जोश में। विवेशियस मीन्स लाइवली एंड एनर्जेटिक, वेरी वेरी गुड। राहुल कुमार, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगा, एंड अलॉन्ग विद द पीडीएफ यू विल बी हैविंग सो मेनी लाइव मॉक, मतलब लाइव मॉक टेस्ट नहीं बोलूंगी, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स वहां पे मिल जाएंगे। आपको कोई डाउट्स हो तो वो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। सो आपको जिसको भी पीडीएफ चाहिए, द पर्सन कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हमारे पास एक वर्ड आता है कॉन्वीवियल। कॉन्वीवियल का मतलब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, अगेन एनर्जेटिक एंड सोशल। अब इतना तो भाई दिमाग में आ गया है कि वी आई वी आएगा विवेक जैसे वर्ड से, विवेक इज प्रॉपर नाउन, विवेक इज अ नेम, ठीक है ना। वी आई वी तो उसका मतलब होगा लाइवली से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड। चंदन राजा, बहुत बेहतरीन आपने बनाया है स्टेटमेंट, वेरी वेरी गुड, मैंने भी देखा है उनको, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, विविड। क्या मतलब होता है विविड का, जैसे कि मैं बोलूंगी दिस इज अ विविड सीनरी, बहुत ब्राइट सीनरी है, कोई चीज बहुत ही ब्राइट है वो विविड है, दिस इज अ विविड सीनरी, ठीक है। निकिता वर्मा, एनर्जेटिक की जगह आप वो वी आई वी वाला वर्ड यूज करिए, ठीक है ना, विवेशियस आप यूज कर सकती हैं, वेरी वेरी गुड, शाबाश चांदनी, वेल डन। अब विविड पता चल गया, विविड मींस वेरी ब्राइट। फिर आता है रिवाइव। वी आई वी का मतलब है लाइफ, ठीक। एंड री का मतलब होता है दोबारा। एवरीबडी नोज कि वी री का मतलब होता है दोबारा या फिर अगेन। रिवाइव, किसी को दोबारा जीवित करना। ब्रिंग बैक समथिंग टू लाइफ, ब्रिंग बैक समवन और समथिंग टू लाइफ, इसी को बोला जाता है रिवाइव। इज इट क्लियर, वेरी गुड। पीके मूवी आमिर्स रिमोट वॉज वेरी विविड, शाबाश।
डॉक्टर्स रिवाइव पेशेंट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, वेरी गुड. वेल डन रीमा दास, बिल्कुल सही. हावड़ा ब्रिज इज विविड, इज विविड, ठीक है ना, बस आप इतना बोल सकते हैं, विविड. अब द नेक्स्ट वर्ड इज विवीवैरस. विवीवैरस का मतलब होता है एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको हम विवीवैरस बोलते हैं. ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ, फॉर एग्जाम्पल डॉग, ऐसे एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कैट, यंग वंस को जन्म देने वाले को हम विवीवैरस बोलते हैं. तो लाइफ से रिलेटेड है ये अगेन. विवि का मतलब ही होता है लाइफ से रिलेटेड. विवीवैरस जो यंग वंस को जन्म दे, नई लाइफ को जन्म दे रहे, वही होते हैं विवीवैरस. फिर हमारे पास आता है सर्वाइव या सर्वाइवल. मतलब मैंने आपसे ये वर्ड्स एकदम स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट किए थे जब मैंने आपसे पूछा था कि वीआईवी वाले मुझे वर्ड्स बताइए. ये तो मतलब एकदम दिमाग में होने चाहिए थे. सर्वाइव क्या क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू लिव लाइफ, जीने की कला, मतलब जी जाना, सर्वाइव कर जाना. सर्वाइवल भी इज अगेन एबिलिटी टू लिव लाइफ. ठीक, वेरी गुड ईश्वर, शाबाश. विवीपैरस होगा, विवीपैरस होगा, बिल्कुल सही, विवीपैरस ही होगा. शिवालिका, विवीपैरस ही होगा. It is Vivi Paris. Absolutely correct. Vivi Paris is the term. Very good. ठीक, शाबाश. अब हम चलते हैं next word के ऊपर. The next word is vital. Vital का मतलब क्या होता है? जीने के लिए या जीवन के लिए कोई चीज अगर बहुत important है तो that thing is vital. Oxygen is vital for us. और इस लास्ट के दो महीने में तो मतलब एकदम ऑक्सीजन ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपनी वाइटालिटी है, प्रूफ ही कर दी है ह्यूमंस को कितनी वाइटल है ऑक्सीजन हमारे लिए. सो ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर अस. कोई चीज लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो वाइटल है. समझ में आया? पीपल सर्वाइव इन कोरोना, वेरी वेरी गुड. ठीक, रिवाइटल, रिवाइटल की जो टैबलेट्स होती हैं किस लिए होती हैं? अंदर जोश भरने के लिए, टू मेक अस लाइवली. ठीक, इसीलिए उसका नाम में भी रखा गया है रिवाइटल. अब होता है रिवाइटलाइज, किसी को एनर्जाइज करना. वी टेक ट्रिप्स टू रिवाइटलाइज आवर सेल्स, ठीक है ना, हम ट्रिप्स पे जाते हैं, घूमने जाते हैं टू रिवाइटलाइज आवर सेल्स, अपने को खुद को एकदम रिफ्रेश करने के लिए, अपने को एनर्जी भरने के लिए. समझ में आया रिवाइटलाइज का मतलब? प्लांट्स आर वाइटल फॉर अस, skin are stick, very very good. Water is vital for human society, human survival, very good. Well done, शाबाश. अब हम चलते हैं next word के ऊपर. Vivisection एक word होता है, vivisection. अब पहली बार अगर मैंने directly ये word आपके सामने लिखा होता ना, आपको अगर मैं meaning भी बताती तो कभी याद ना होता, मतलब अभी याद हो जाता, in future भूल जाते. अब ये वर्ड आपको कभी भी नहीं भूलेगा. विवी सेक्शन, विवी का मतलब होता है लाइफ. किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऑपरेशन करना, इसी को बोला जाता है विवी सेक्शन. और विवी वर्ड ही है जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ या फिर लाइफ. ठीक है, वेरी वेरी गुड, समझ में आया? ये विवी सेक्शन सबको क्लियर है ना? किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो मतलब मेडिसिन वगैरह जब बनती है, जैसे कि जब वैक्सीन बनी थी तो उसका विवी सेक्शन हुआ था, वैक्सीन के लिए विवी सेक्शन हुआ था. लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ट्राई किया जाता है, जब नए कॉस्मेटिक्स बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं, तो विवी सेक्शन किया जाता है उनको, डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, एनिमल्स के ऊपर ऑपरेट किया जाता है, तो इसी चीज को बोला जाता है विवी सेक्शन. वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट हमारे पास एक रूट है. अब आज का जो नेक्स्ट रूट है, ध्यान से देखिएगा, द नेक्स्ट रूट इज मैग. एवरीबॉडी शुड नो कि मैग का मतलब क्या होता है. एक हम आपको टर्म बता दे रहे हैं, उसी से आपको याद हो जाएगा. मैग्निफाई, द फर्स्ट टर्म इज मैग्निफाई, याद रहेगा ना. मैग रूट का मतलब लार्ज या फिर ग्रेट. मैग्निफाई, यही रूट तो आता है उसमें, एम ए जी मैग. बताइए भाई, अब मुझे आप बताइए कौन कौन से वर्ड्स सुने हैं आपने जिनमें एम ए जी मैग आता है. सभी लोग, एवरीवन,
जल्दी से मुझे बताइए. मैग्निफिशेंट, वेरी गुड चंदन, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है. मैगी, ओके. मैगजीन, मैग्निमेनियस, वेरी गुड. मैग्नीट्यूड, मैग्नेट. एंड ओके, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं एंड मैं इनसे यही बोलूंगी, इनमें से 99% के मीनिंग्स रिलेटेड है लार्ज से या फिर ग्रेट से. अब हम चलते हैं सबसे पहले वर्ड के ऊपर. द फर्स्ट वर्ड इज मैग्निफाई. और मैग्निफाई का काम क्या होता है? यही काम होता है, मैग्निफाई का मतलब वही होता है जो इस मैग्निफाइंग ग्लास ने किया. क्या किया है इस मैग्निफाइंग ग्लास ने? हमारे टेक्स्ट को बड़ा कर दिया है. क्या होता है मैग्निफाई का मतलब? किसी चीज को इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना. फॉर एग्जाम्पल, दिस मैग्निफाइंग ग्लास हैज मैग्निफाइड द टेक्स्ट. ठीक, बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का भी मतलब होता है लार्ज इन साइज. मैग्नीट्यूड, एक तो हमें पता है किसी चीज की वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड है और क्या होता है लार्ज इन साइज. ठीक, फिर हमारे पास आता है मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है? कोई इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा हो, वो होता है मैग्नेनिमस. फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा बोल सकते हैं आप. रतन टाटा क्या माने जाते हैं? मैग्नेनिमस माने जाते हैं ना, बहुत अच्छे इंसान है वो. तो मैग्नेनिमस, जिसका दिल बहुत मैग्निफाइड हो, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, वो इंसान मैग्नेनिमस होता है. ठीक है, बिल्कुल. हनुमान जी न्यू द आर्ट ऑफ मैग्निफाइंग, बिल्कुल, शाबाश. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर. द नेक्स्ट वर्ड इज मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी वेरी ग्रैंड, बहुत बड़ा. हम बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मैग्निफिशेंट इवेंट. मैग्निफिशेंट इवेंट का मतलब क्या है? ग्रैंड इवेंट. ठीक है ना, मैग्निफिशेंट इज क्लियर. हमको सिर्फ याद क्या रखना है दोस्तों, MAG का मतलब जो होता है लार्ज या फिर ग्रेट. दैट्स इट, सिर्फ इतनी चीज याद रखोगे, 99% वर्ड्स आपके हो जाएंगे जिनमें MAG आता है. मैग्निपोटेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निपोटेंट का मतलब होता है अगेन ग्रेट एंड पावरफुल. अगेन आपको एग्जांपल मुझे बताइए जो मैग्निपोटेंट हो. कौन था मैग्निपोटेंट बताइए भाई? शाबाश रोहित सोनी, वेरी वेरी गुड. ऋषभ पांडे, वेल डन. धीरज बंसल, वेरी गुड. फिर हमारे पास आता है मैग्निफिक्सो. मैग्निफिको का मतलब होता है पावरफुल या फिर ग्रेट रूलर. यू कैन से अकबर वॉज मैग्निफिको. मैग का मतलब ही होता है बड़ा या ग्रेट. अकबर वॉज मैग्निफिको, कोई बड़ा रूलर हो, ग्रेट रूलर हो या पावरफुल हो, तो उसको हम बोलते हैं मैग्निफिको. क्लियर, इज इट क्लियर? बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त मैग्निपोटेंट, शाबाश. ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूट आता है, आज का मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट रूट है. द रूट इज एम्ब्यूल, AMBUL, एम्बुल, जिसका मतलब होता है मूव. मुझे अब बताइए कौन कौन से वर्ड्स आपने सुने हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज एम्बुलेंस. सबने सुन रखा होगा एम्बुलेंस, एंड सबको ये भी पता होगा कि एम्बुलेंस किस काम आती है. किस काम आती है? पेशेंट्स को मूव करने के, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये काम होता है एम्ब्यूलेंस का. तो अब मुझे बताइए जल्दी से कौन कौन से वर्ड्स आपने सुने हैं जिनमें एम्ब्यूल रूट आता है. एम्ब्यूल मींस मूव, क्विकली. मिल्खा सिंह वॉज मैग्निपोटेंट, वेरी वेरी गुड. एम्ब्यूलेंस तो मैंने बताया, और बताइए. एम्ब्यूलेटरी, शाबाश. पहला वर्ड देखे चले. द फर्स्ट वर्ड इज एम्ब्यूलेंट. एम्ब्यूलेंट का मतलब होता है चलने के लायक. आप बोल सकते हो जैसे कि आई गॉट इंजर्ड वेरी सिवियरली बट नाउ आई एम एम्ब्यूलेंट. आई हैड एन एक्सीडेंट, आई वॉज इंजर्ड वेरी सिवियरली बट नाउ आई एम एम्ब्यूलेंट. यानी कि मेरा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं चलने के लायक हूं, तो नाउ आई एम एम्ब्यूलेंट. बोल सकते हो वाओ द किड हैज ग्रोन अप, नाउ ही इज एम्ब्यूलेंट. यानी कि मतलब इतना बड़ा हो गया है बच्चा, चल लेता है, नाउ ही इज एम्ब्यूलेंट. मैजिकल का मतलब निकिता होता है मैजिक से रिलेटेड.
नाउ यू नो, तभी तो मैंने बोला था कि 99% ऑफ वर्ड्स यू कैन से कि रूट वर्ड बिल्कुल मैच करते हैं. अब 100% गारंटी कोई क्यों नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई डेटॉल भी तो नहीं लेता है, ठीक है ना. 100% में हम कभी मैंने नहीं बोला है, हमेशा मैंने बोला है 99 to 98% होते हैं वो वर्ड्स जिनमें रूट वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग होती है, ठीक. अब एम्बुलेंस का मतलब यू नो व्हीकल यूज टू मूव पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, ठीक. सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब एवरीबॉडी नो, सोमनाम्बुलिस्ट कौन होता है, सोते में जो इंसान चले वही होता है सोमनाम्बुलिस्ट. तो हमने यहाँ पे रूट वर्ड सीखा है एम्ब्यूल का, क्या मतलब होता है एम्ब्यूल का, मूव या फिर वॉक. क्लियर, वेरी वेरी गुड, शाबाश, वेल डन टूटू. अगर आप अ फ्यू रिमार्क्स भी लगाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, अ फ्यू रिमार्क्स आर ऑल्सो करेक्ट, लेकिन फ्यू रिमार्क्स यहाँ पर बिल्कुल गलत है. आपको सीखना है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पर द फ्यू भी सही है, यहाँ पर अ फ्यू भी सही है, लेकिन यहाँ पर फ्यू बिल्कुल गलत है, ठीक. अब हम चलते हैं हमारे क्विक समरी के ऊपर. गाइज आज हमने कौन कौन से रूट वर्ड सीखे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूट वर्ड सीखे हैं इनसे. अब आप अपने दिमाग में सोच के देखिए, 9 रूट सीख लिए, दैट मीन्स आपने कितने वर्ड आज सीखे हैं. पहला रूट था LOC या LOQ जिसका मतलब था स्पीक या स्पीच, रूट नंबर 1. नेक्स्ट रूट है हमारे पास BELLI जिसका मतलब होता है वॉर या फाइट, रूट नंबर 2. नेक्स्ट हमारे पास रूट था TOX, टॉक्स, जिसका मतलब था पॉइजन, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक, टॉक्सिन, टॉक्सिसिटी, डिटॉक्स. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांस. अब जितने रूट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग मुझे फटाफट से उनसे रिलेटेड 2 या 3 वर्ड्स बताते जाएंगे. जो वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है उस रूट से रिलेटेड जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग कॉमेंट करिए स्पीड में, जितने आपको यहाँ पे रूट दिख रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास रूट था AMI AMI या AMI AMO जिसका मतलब क्या था, लव या फिर मॉरल. क्लियर. अब हमारे पास रूट क्या था, SANSAN रूट था जिसका मतलब था हेल्थ या क्लीन, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड. फिर हमारे पास क्या रूट था, VIV जिसका मतलब है लाइफ या फिर लिव, विविड, विवाशियस, ठीक. नेक्स्ट था हमारे पास मैग, MAG मैग, जिसका मतलब होता है किसी को बड़ा कर देना या समवन हु इज वेरी ग्रेट, मैग्निफाई ग्लास, मैग्निफाइंग ग्लास. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था AMBUL, एम्बुल, जिसका मतलब था मूव या फिर वॉक, मूव या फिर वॉक था एम्बुल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस, फॉर एग्जाम्पल सोमनाम्बुलिस्ट. क्लियर है सारे वर्ड्स आपको, सैनिटाइजर, एमिकेबल, वेरी वेरी गुड, शाबाश. सो गाइज आई होप आपको कोई भी परेशानी नहीं हो इस सेशन में. पहली बात तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाए बिना जरूर, मतलब कोई जाना मत यार, गिव इट अ थम्स अप एंड अपने फ्रेंड से शेयर कर देना. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको भी वोकैबुलरी सीखनी है, क्योंकि वोकैबुलरी तो आप एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है. सो गिव दिस सेशन अ थम्स अप. PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप का गिवन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आपको मिल जाएगा वहां पे. प्लस आपके लिए मेरे पास एक असाइनमेंट है जो मुझे आपसे चाहिए कॉमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में मुझे नहीं चाहिए असाइनमेंट, कॉमेंट सेक्शन में चाहिए. ध्यान से सुनिएगा असाइनमेंट है क्या. आप मुझे बताएंगे इन 3 रूट्स के मीनिंग, गूगल मत करना, ठीक है ना. इन 3 रूट्स के मीनिंग अगर आपको पता है तो बताइएगा, लेकिन कमेंट्स चाहिए मुझे सबके इस सेक्शन के बाद. सेशन के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अगर होंगे आपके कमेंट्स, तभी उसी केस में मैं देख पाऊंगी कि किसने मुझे आंसर दिया है. सो दिस इज योर होमवर्क, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. और इन्हीं रूट्स को हम पढ़ेंगे कल डिटेल में, इनके सारे के सारे वर्ड्स. सो एक बार पढ़कर आना जितने भी वर्ड्स आपको पता है इनके. तो दिस इज योर असाइनमेंट, मिलते हैं हम कल इन्हीं रूट्स के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, बाय.